नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। यहाँ मैं तरह तरह के वीडियो बनाकर आपका नॉलेज अपडेट करता हूँ, रिवीजन होता रहता है। ये जो मैंने ऑनलाइन क्लास का सेशन चालू किया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा रिवीजन होता रहे और नॉलेज बढ़ता रहे, और इसके साथ साथ मेरा भी रिवीजन होता रहता है, मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहता है। इसमें आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होने की इच्छा है तो आप मुझे ईमेल कीजिए और ईमेल पर आपका व्हाट्सएप नंबर भेजिए। हमने व्हाट्सएप नंबर ग्रुप बना के रखा है, उसी में लिंक भेजा जाता है रोज, और जब जब हमको टाइम मिलता है तब तक क्लास चलती रहती है। अधिकतर रोज ही चलती है, कभी नहीं भी चलती है। तो आपको ज्वाइन होना हो तो आप इस प्रकार ज्वाइन हो सकते हैं। ईमेल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहां से मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई ऐसा लगता है कि कुछ और सुधार है, गलत है, कुछ है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबको स्वतंत्रता दी गई है। धन्यवाद। ओम नारायण 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 नारायण। आज की क्लास चालू होते 21 बज गया है, और जो जुड़ गए हैं वो सवाल का जवाब देंगे। अपने कन्वेंशनल लोगों में जो रिले काम में लाई जाती है, वो कौन कौन सी टाइप की रिले होती है? अमरेश कुमार जी, देखिए आप बताइए कौन कौन सी रिले होती है। अमरेश कुमार जी, आपके पास आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। दयाशंकर जी, आप बताइए। सर हाजिर। कौन कौन सी रिले होती है अपने लोकोमोटिव में? क्वेश्चन हमने सुना नहीं सर थोड़ा। कन्वेंशनल लोको में कौन कौन सी रिले होती है? टाइप ऑफ रिले, टाइप ऑफ रिले। अच्छा, तीन तरह की होती है सर। कौन कौन सी? एक WOMA वोमा, हाँ, और एक नाम सर याद नहीं आ रहा अभी प्रेजेंट। हाँ, अगर बनावट की टाइप से देखें तो तीन तरह की है, वोमा और PC8 टाइप की और कॉमेट टाइप की। हाँ, ओमेट पीसी, कॉमेट, कॉमेट COMET। जी जी, कॉमेट। हाँ, और बाकी काम की दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रिकल रिले, मैकेनिकल रिले, ठीक है। तो जी जी, हाँ, रविंद्र चौधरी साहब बात कर रहे हैं। रविंद्र चौधरी। हाँ सर, बोल रहा हूँ सर। हाँ, इलेक्ट्रिकल रिले कौन कौन सी है लोकोमोटिव में? इलेक्ट्रिकल रिले, किसी रिले का नाम बताओ, जो इलेक्ट्रिकल रिले हो इस रिले का नाम बताओ। Q118 सर। बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रिकल रिले। अब इलेक्ट्रिकल रिले में भी दो प्रकार की, म्यूट हो जाइए आप, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, म्यूट हो जाइए रविंदर, म्यूट हो जाओ। हाँ, रविंदर को सवाल नहीं पूछेंगे, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, पंखा चल रहा है, पता नहीं क्या कूलर चल रहा है। हाँ प्रतीक, हाँ प्रतीक भैया, प्रतीक सर। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल रिले होती है उसमें भी दो प्रकार की रिले होती है, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल रिले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं याद नहीं आ रहा सर। राम चौधरी बताओ, राम चौधरी। पता नहीं है सर। पता नहीं? प्रतीक तुमको मालूम है? नहीं सर। अरे रोज काम कर रहे हो तुम लोग लोकोमोटिव में। राजेश कुमार, दो जगह से क्यों जुड़े हो आप? QRSI QOA QOP ये है कि सर? अरे पहले टाइप तो बताओ। इलेक्ट्रिकल रिले दो प्रकार की होती है, करंट रिले, वोल्टेज रिले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो एक होती है करंट रिले और एक होती है वोल्टेज रिले। सीधी सी बात है, जो वोल्टेज के ऊपर सेटिंग है या वोल्टेज से जो ऑपरेट होती है उसको वोल्टेज रिले कहते हैं, और जिस रिले का करंट से सेटिंग है, करंट के सर्किट में लगी है, उसको करंट रिले कहते हैं। तो कोई ऐसी रिले का नाम बताओ जो करंट रिले हो। अमरेश कुमार, अमरेश। QLM सर। हाँ QLM और QLA। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करंट के ऊपर सेटिंग है इनका।
और यस 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 आपको मालूम पड़ गया। तो ये सभी रिले जो है वो करंट रिले है, और वोल्टेज रिले कौन कौन सी अखिलेश बताओ देखें, वोल्टेज रिले अखिलेश Q20 सर जी। हाँ जी, एक तो है Q20 और QD, सॉरी सर QD तो करंट है, करंट रिले है। अरे बहुत सारी ये वोल्टेज वाली, तो Q50, Q118, QRS जितनी भी रिले सब वोल्टेज रिले ही है, सब वोल्टेज से ही ऑपरेट होती है, बैटरी वोल्टेज से, ठीक है। और करंट रिले जो है करंट से ऑपरेट होते, करंट रिले वोल्टेज रिले, ये इलेक्ट्रिकल रिले हो गई। और दूसरी होती है मैकेनिकल रिले, तो मैकेनिकल रिले में सबसे पहले आती है सर्कुलेशन रिले, जो हवा के सर्कुलेशन से ऑपरेट होती है उसको सर्कुलेशन रिले कहते हैं। तो ऐसी कौन सी रिले है जो हवा के सर्कुलेशन से ऑपरेट होती है, कन्वेंशनल लोगों की बात कर रहे हैं हम, सचिन पाल बताओ। सचिन हाँ बताइए, हाँ बताइए, कन्वेंशनल लोगों में जो सर्कुलेशन रिले है वो कौन सी है जो हवा से ऑपरेट होती है, नहीं आ रहा याद? नहीं सर नहीं आ रहा। हाँ राजेश कुमार आप बताओ, राजेश कुमार जी राजेश कुमार जी नरेंद्र कुमार जी बताओ, नरेंद्र सर QLM हो सकती है। अच्छा QLM हवा से ऑपरेट होती है, कैसे ऑपरेट होती है, कहाँ से आती है हवा उसको? प्रेम कुशवाहा आप बताइए देखें, हवा से ऑपरेट हो? नहीं मालूम। वेरी गुड। लक्ष्मीकांत जी बताइए देखें सर। हाँ QMT1 2। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, QMT1 QMT2 और QVSI वन एंड टू और वन और जो है हवा से और QVSL1 QVSL2 QPDJ नहीं, वो हवा से ऑपरेट नहीं होती, वो प्रेशर से ऑपरेट होती है। अच्छा प्रेशर अलग हो, मैंने कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो हवा से ऑपरेट होती है जितने भी ब्लोअर हैं, ब्लोअर का काम चेक करने वाली रिले जो होती है ब्लोअर के ऊपर ही लगी हुई है और उसमें एक फ्लैप होता है, तो जब ब्लोअर काम करता है हवा फेंकता है तो वो फ्लैप थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके पीछे कनेक्शन होते हैं, इस प्रकार उसका इंटरलॉक Q118 पे लग जाता है। तो जो हवा से ऑपरेट होती है उसको सर्कुलेशन रिले कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई करंट रिले और मैकेनिकल रिले। मैकेनिकल रिले में एक रिले और भी आती है, टेम्परेचर रिले, वो हालांकि अपने को देखने को नहीं मिलती है लेकिन टेम्परेचर रिले होती है, वो जो रेजिस्टेंस होते हैं डायनामिक ब्रेक के तो उसके अंदर ही फिट रहती है, वो अपने को दिखती नहीं है। ओके अब होता है टाइप रिले, जो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कौन कौन से रिले हैं, तभी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की थी लेकिन उसके बाद काफ़ी लोग और जुड़ गए। तो किसको याद, निरंजन कुमार जी आप बताइए देखें। मैकेनिकल में ड्रम टाइप का होता है सर? नहीं नहीं, मैं कंपनी के हिसाब से पूछा, तीन कंपनी की रिले बताई थी अभी भी मैंने, एक बताई थी PC8 टाइप, यस सर, जो अधिकतर लोगों में Q50 Q118 जितनी भी ये रिले हैं Q45 Q44 जो प्लंजर वाली रिले होती है जिसको दबा के देखते हैं अपन, उसको PC8 टाइप बोलते हैं, ठीक है। एक होती है वोमा टाइप, वोमा टाइप में उसको वेज करने के लिए एक स्क्रू होता है उसको वोमा टाइप बोलते हैं, और एक होती है कॉमेट टाइप, कॉमेट टाइप में उसका एक लॉक होता है उसको ऊपर उठा के उसको वेज किया जा सकता है। तो बनावट के अनुसार हमारे पास कन्वेंशनल लोगों में तीन टाइप की रिले है, तीनों को पहचानना और वेज करना आना चाहिए, नहीं तो जरूरत पड़ेगी तब वेज करना ही नहीं आएगा, पहचानना ही नहीं आएगा, तो फिर फेलियर पैदा हो सकता है। कल मैंने, हाँ ठीक है म्यूट हो जाइए, कल मैंने सवाल भेजे थे फोटो खींच के, लक्ष्मीकांत जी भेजे थे क्या?
यस सर भेजे थे। हाँ, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो कठिन है वो तो नहीं पूछता हूँ, सरल सरल पूछ लेता हूँ, देखें किस किस को याद है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? उर्दू भाषा को किन राज्यों में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? दिनेश कुमार जी बताइए, देखें। बिहार और आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश और बिहार में, बहुत अच्छा, म्यूट हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। अब जो अपने पास में आठवीं अनुसूची है संविधान में, उसमें किन किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो उसमें से जितना आवे उतना आपको बताना है, जरूरी नहीं है कि सब याद मुंह पे आ जावे। प्रतीक भैया बताइए, देखें कौन कौन सी। सर 22 भाषाएं, नाम नहीं पता भी। अरे एक आदि का बता भाई, एक तक का तो बता दे। हिंदी तो है सर उसमें। हाँ चलो एक बता दिया, बहुत है, चलो बहुत बढ़िया। प्रेम कुशवाहा जी और आगे आप बताइए, देखें। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, हाँ और काफी है, लेकिन सर याद नहीं है। मलयालम कहा नहीं याद है, तुमने इतनी तो बता दी, छह तो बता दी, झूठ क्यों बोलते हो? नहीं मतलब 22 में बताना चाहता, लेकिन 22 का नहीं, 22 नहीं बताने का, सब याद मुझे भी एक साथ नहीं आएगी, उसमें से 22 में से 11 याद आ जावे तो भी बढ़िया है। ठीक है, राम चौधरी आप बताओ कुछ, कौन कौन सी भाषा? उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, तमिल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, ये सब भाषा जो 22 भाषा है वो संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज कुमार के लिए, ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? ख क्षेत्र में, पंजाब, हाँ गुजरात, हाँ महाराष्ट्र, हाँ चंडीगढ़। अरे वाह यार, बहुत अच्छा बताया तुमने तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? लक्ष्मीकांत जी आप बताइए, देखें दूसरों को नहीं आएगा। सर उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य वैकल्पिक राजभाषा के प्रयोग से संबंधित है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, आपने याद कर लिया क्या? याद कर रहा हूँ सर, आपके साथ सहयोग आपका मिल रहा है तो याद करना पड़ेगा ना। हाँ ये क्वेश्चन उसमें आते हैं जब भी CLI का एग्जाम होता है, या आप लोगों में से कोई AD का एग्जाम देंगे, AME का एग्जाम देंगे, तो उसमें इस प्रकार के सवाल हिंदी के राजभाषा के आते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ें और ये जो वैकेंसी निकले तो उसमें फॉर्म भरें जितने भी लोग हैं। चलो ये ठीक है, हिंदी के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। गासीलाल मीणा जी आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? गासीलाल जी। यस सर। हाँ सर आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? आवाज नहीं आ पा रही है। मुंबई सर। मुंबई 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 डिवीजन सर। ओके ओके ठीक ठीक ओके ओके। हाँ मुंबई सर। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरमैन ओब्लिक लोको पायलट सर। अच्छा अच्छा ओके ओके। यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल खांडनकर साहब के लिए, कल बात नहीं हो पा रही थी आपसे, आज हो रही है क्या? गोपाल जी बात करें, खांडनकर नहीं हो पा रही, कल भी नहीं हो पा रही है, जुड़ते थे लेकिन शायद आवाज नहीं जा पाती है, क्या मालूम। नरेंद्र कुमार जी। यस सर। रिवर्सर और CTF में क्या डिफरेंस है? सर रिवर्सर दो होते हैं, J1 और J2। हाँ जी। और सर CTF 3 होते हैं। CTF 1, CTF 2, CTF 3। अगर अपने को ड्रम टाइप के हैं वो, ड्रम टाइप के, तो देख के कैसे पहचानेंगे उनको, मतलब आंख से देखने पर कैसे पहचान सकते हैं? सर उनके ग्रोव देख के पहचानते हैं सर। अच्छा कैसे, थोड़ा सा आइडिया बताओ। सर एक में जैसे J1 J2 रिवर्सर के हैं, उनमें ग्रोव जो रहते हैं वो सेम साइज के रहते हैं, सेम शेप के रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। और CTF में एक शेप डिफरेंट रहती है, तो सेम
और रिवर्सर में एक लॉकिंग पिन भी रहती है, सीटीएफ में लॉकिंग पिन नहीं रहती है। सीटीएफ में लॉकिंग पिन नहीं रहती सर। हाँ, रिवर्सर को क्या है कि बीच में लॉक करने का प्रावधान है और सीटीएफ को लॉक करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज कुमार के लिए, एमपी को जीरो पर रखने पर सीटीएफ कहाँ रहेंगे? जब हम एमपी को जी हाँ बीच में रहेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पोजीशन बताई आपने। बीच में भी रहते हैं क्या सीटीएफ मनोज? डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, पता नहीं आप चालू गाड़ी में हो क्या? बंद करो बंद करो, ठीक है म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, अरे डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम कुशवाहा जी के लिए, सीटीएफ हाँ एमपी जीरो रखने पर सीटीएफ की क्या स्थिति रहेगी? सीटीएफ कहाँ रहेंगे? क्या सर? एमपी को जीरो पे रखा है तो सीटीएफ कहाँ रहेंगे सर? हमसे आप थ्री पेज में पूछिए आप। अरे मेरे को याद नहीं रहता यार, इसके लिए अब लिखना चालू करना पड़ेगा मुझे किसको क्या पूछना है ना। कुछ भी पूछो, मैं तो रिवीजन के लिए सर उसमें जुड़ता हूँ। हाँ हाँ, एमपी का एग्जाम है, बाकी मैं कन्वेंशनल मैंने देखा नहीं सर। तो कन्वेंशनल का कोर्स नहीं आएगा आपको कभी कोई एग्जाम होगा तो? आ सकता है उसका भी क्वेश्चन है ना, पढ़ते रहना वो भी थोड़ा थोड़ा। एग्जाम ही है एमपी का सर। अच्छा उसमें मतलब वो नहीं है ना आपका, कन्वेंशनल नहीं, नहीं आएगा, कोर्स से बाहर है। नहीं कन्वेंशनल आएगा लेकिन इतना मैं पढ़ा नहीं ना सर। वो भाई उसको पढ़ो, फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। चलो सचिन पाल साहब बताइए, सचिन पाल, सचिन भी जुड़े हुए। हाँ सचिन आवाज आ रही है? ऊपर ऊपर कहाँ, सिर के ऊपर के लोगों की छत पर? मैं अप डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, अप डायरेक्शन का तो कोई पोजीशन नहीं, पोजीशन होता ही नहीं उसमें यार। सीटीएफ की दो पोजीशन होती है, कौन कौन सी सचिन? सर सीटीएफ की दो ही पोजीशन, एक अप और एक उसका हैंडल ऊपर रहता है और नीचे रहता है। ये कोई पोजीशन थोड़ी होती है क्या यार। रमाशंकर यादव जी बताओ सीटीएफ की कितनी पोजीशन है? सर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में रहता है सर, मोटरिंग और ब्रेकिंग रहता है सर। हाँ तो हाँ हाँ सब मत बोलो, सब मत बोलो, जिसका नाम लिया जाएगा वो बता। रमाशंकर यादव जी बताइए सीटीएफ की कौन कौन सी में रहेगा? एमपी यदि जीरो पे रहेगा तो सीटीएफ ट्रैक्शन में रहेगा। हाँ लेकिन अभी नया क्वेश्चन उठ गया है, सचिन ने नया क्वेश्चन बनवा दिया, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में ऊपर रहता है, ब्रेकिंग में नीचे रहता है। हाँ अब बात सही हुई, यानी कि सीटीएफ की दो पोजीशन होती है, ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग। ऊपर रहता है हैंडल तो वो ट्रैक्शन कहलाता है और नीचे रहता है तो ब्रेकिंग। सचिन समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ तो ट्रैक्शन और ब्रेकिंग ही बोला कीजिएगा आप, ऊपर नीचे फॉरवर्ड रिवर्स ऐसा नहीं बोलना है, वो गलत हो जाता है। नरेंद्र म्यूट हो जाओ। सर कई बार सीएमएस क्यूज में क्वेश्चन आता है सर ऊपर की तरफ का। हाँ तो ऊपर रहेगा, ठीक है, अगर वहां पे ट्रैक्शन पोजिशन नहीं लिखा है और ऊपर लिखा है तो ऊपर सही है, वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही कोई पूछे कौन सी पोजीशन होती है, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग, ठीक है, वो स्थिति देख के काम करना है आपको, उस समय क्या स्थिति बन रही है, क्या ऑप्शन है, वैसे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर एक प्रॉब्लम बताइए ना। क्या प्रॉब्लम? कन्वेंशनल लोको मल्टी बनाया। हाँ हाँ। और लीडिंग कैब का एमआर 6 KG पे ही रुका हुआ है सर। अच्छा लीडिंग लोको का? जी सर वो ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि जब बना पहले 8 KG था, जब पाइप जुड़ा हुआ है आ ही नहीं रहा है, जीपी सही है, गाड़ी चल रही है। अच्छा अच्छा। रुक नहीं रहा है 6 KG से। तो फिर क्या किया आपने? तो ऐसे ही स्टेशन पे जाके खड़ा कर दे रहे हैं, पावर डिटैच होना है। अरे अभी ऐसी पोजीशन है कि हो चुकी है? ऐसी पोजीशन हो चुकी है। अच्छा हो चुकी है, ठीक है ठीक है। तो 6 KG से आगे नहीं बढ़ रहा था,
तो अपने कैब चेंजिंग में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या एक बार वापस अपन कैब चेंज पीछे की ओर जाके करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कई बार, ME2B का कुछ प्रॉब्लम हो इस प्रकार का। सोनी साहब इस पर प्रकाश डालिए, देखें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सोनी साहब आप म्यूट हो जाओ, मनोज म्यूट हो जाओ। हाँ यही सब आएगा सर, ME2B और एंगल कार्ड का पोजीशन के ऊपर बहुत कुछ। हाँ ये अपन एक बार अगर कैब को फिर से पीछे जाके फिर वापस आगे आएंगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा कई बार प्रैक्टिकली होता है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। गोपाल जी बात करें, गोपाल जी, गोपाल खांडनकर जी, तो आज मेरे को थोड़ा सा सर, हाँ बोलो सोनी साहब बोलो सर। इसमें एक चीज और है सर, जैसे मान लीजिए वो थ्री फेज लोको है अपना G9 वगैरह, हाँ हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम E70 लोको है और उसमें हम जैसे कैप चेंज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर न्यूट्रल में ला करके नहीं निकाले हम, हाँ हाँ, तो क्या होता है सर, दूसरा कैब में चले गए, हाँ, तो होता क्या है सर कि जो पहले वाला कैब था वहाँ का एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर लीकेज होते रहता है, अरे EMR का ट्रबल आता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बाकी वैसे तो वो न्यूट्रल पे नहीं जाएगा तब तक हैंडल निकलता भी नहीं है, लेकिन सर मेरे साथ हुआ है सर, ऐसा मेरे को मिला। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ये अपने को चेंजिंग करते समय। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद में जो पहले वाला केप था उसमें ले जा करके मैंने फंसा करके फिर उसको न्यूट्रल में ले जा कर पूरा निकाला, तो फिर हाँ, प्रेशर हाँ, बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी प्रॉब्लम कभी भी ऐसा कैब चेंज करने के बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें वापस उस कैब में एक बार चले जाना चाहिए, उससे अपने प्रॉब्लम सॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली करने से कई बार फायदा हुआ है। देखो इंटरलॉकिंग का वगैरह होता है, ग्रूव्स वगैरह का होता है, तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो कैब में वापस उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी। यस सर, यस सर। आज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसके लिए मैंने मैसेज में लिख दिया था कि आज मीटिंग 15 मिनट की रहेगी, एक थोड़ा सा फंक्शन में जाना है मुझे, तो आज अपनी मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं, कल 21 बजे फिर से मिलेंगे, आज कोई क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं किया जा सकेगा टाइम की कमी होने के कारण। ठीक है, ओके, हरिओम 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 हरिओम।